तो चलिए देखते हैं CR12 7.7 का रिव्यू पोको X2 पे। तो अबाउट फोन में आप देख सकते हैं, इसमें आपको एंड्रॉइड वर्जन मिलता है, CR12 आपको 7.7 मिलता है, सिक्योरिटी पैच आपको 5 जून का मिलता है, कर्नल वर्जन 4.14 मिलता है, मतलब सिग्मा कर्नल 5.0, और बिल्ड डेट आपको 17 जून की मिलती है। तो बढ़ते हैं कस्टमाइजेशन पर, नेटवर्क में और जियो में। नीचे आपको वोल्ट मिलता है और वोल्ट वर्क करता है, देखिए हॉटस्पॉट में बाकी ऑप्शन सेम है पर नीचे आपको अलाउ क्लाइंट यूज़ VPN हॉटस्पॉट मिलता है। बढ़ते हैं मेन कस्टमाइजेशन पर, मतलब नीचे यहाँ पे CR2 हेडिंग मिलते हैं, इसमें आपको बहुत कस्टमाइजेशन मिलते हैं, देखिए बहुत सारे कस्टमाइजेशन मिलते हैं। स्टेटस बार में आपको आइकॉन्स मिलते हैं, इसमें आप आइकॉन्स को एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। फिर आपको क्लॉक स्टाइल मिलती है, फिर क्लॉक एंड डेट में आपको ऑटो हाइड मिलता है, इसमें आपको हाई ड्यूरेशन शॉर्ट ड्यूरेशन क्लॉक सेकेंड्स AM/PM स्टाइल, डेट में आपको डेट स्टाइल डेट फॉर्मेट डेट पोजिशन एक्सेट्रा ये सब मिलता है। नेटवर्क में आपको लोकेशन मिलता है, इसमें आपको डिसेबल स्टेटस बार या क्विक सेटिंग मिलता है। फिर आपको डिस्प्ले मोड मिलता है, ऑटो हाइड, रिफ्रेश इंटरवल, ट्रैफिक यूनिट्स और हाइड एरोस। फिर आपको ओल्ड सेम मोबाइल आइकॉन, डेटा डिसेबल्ड आइकॉन, 4G आइकॉन, रोमिंग इंडिकेटर्स, ब्लूटूथ बैटरी स्टेटस, वोल्ट आइकॉन, VOFA आइकॉन, VOFA ओवरराइड। नीचे आपको बैटरी स्टाइल, बैटरी परसेंटेज, बैटरी परसेंट चार्जिंग और बैटरी बार मिलता है। बैटरी बार में इसे एनेबल करने पर आपको थिकनेस, अलाइनमेंट, ब्लेंड कलर, रिवर्स कलर, कलर, लो बैटरी कलर, चार्जिंग कलर, कस्टम चार्जिंग कलर और चार्जिंग कलर मिलता है। जैसर्स में आपको डिवाइड स्लीव, ब्राइटनेस कंट्रोल, क्विक बोल्ड और स्मार्ट बोल्ड मिलता है। क्विक सेटिंग्स में आप रोज एन कलर चूज कर सकते हैं पोर्ट्रेट और लैंडस्केप मोड में। फिर आपको टाइल टाइटल, पॉलीटोन टच, टिन कीवे स्टाइल आइकॉन स्टाइल, डेटा यूजेज, बैटरी स्टाइल, बैटरी लोकेशन, बैटरी एस्टिमेट एक्सेट्रा। नीचे आपको कस्टम हेडर मिलता है, इसे एनेबल करने पर आप हेडर प्रोवाइडर चूज कर सकते हैं, मतलब इमेज स्टैटिक या कस्टम, सपोज स्टैटिक और सपोज ये वाला, देखिए कभी कभी ये वर्क नहीं करता। देखिए नीचे आपको स्टेटस बार ओपेसिटी, स्टेटस बार ग्रेडियंट, पैनल ओपेसिटी, क्लॉक, ब्राइटनेस स्लाइडर, ऑटो ब्राइटनेस, मटेरियल डिसेबल बटन, यूजर आइकॉन, एडिट आइकॉन, रनिंग सर्विस आइकॉन और सेटिंग शॉर्टकट मिलता है। लॉक स्क्रीन में आपको स्टेटस बार, लॉक आइकॉन, बैकग्राउंड ब्लर, वेदर, मीडिया कवर आर्ट फिल्टर, चार्जिंग एनिमेशन, बैटरी इन्फो। जैसे में आपको डबल डोर स्लीप, फिंगरप्रिंट वाइब्रेशन, फिंगरप्रिंट एयर वाइब्रेशन। मिसलेनियस में आपको पावर मेनू, सिक्योर पावर मेनू और QoS मिलता है। नेविगेशन में आपको नेवबार मिलता है, इसमें आपको स्टॉक नेवबार सेटिंग मिलते हैं, इसमें आपको नेविगेशन सेटिंग मिलते हैं, इसमें जेस्चर नेविगेशन 2 बटन 3 बटन मिलते हैं और ये सब वर्क करते हैं। अभी जैसे सिलेक्टेड है तो बैक बटन, होम बटन और रीसेंट्स, देखिए वर्क करता है। इवन 2 बटन में देखिए ना आवर आता है और 3 बटन में देखिए वर्क करता है। और जेस्चर में बाहर सेटिंग्स में आपको लेफ्ट एज, राइट एज, अमाउंट ऑफ स्क्रीन हाइट, जेस्चर बार लेंथ और बैक जेस्चर एनिमेशन मिलता है। नेवर सेटिंग्स में आपको पिक्सल एनिमेशन, शोर ओके वेल टाइपिंग, लेआउट, इन्वर्ट लेआउट। फिर नीचे आपको बैक बटन, होम बटन, रिसेंट बटन और एज बटन कस्टमाइजेशन मिलते हैं। जेस्चर्स में आपको सिस्टम जेस्चर मिलते हैं, इसमें आपको क्विकली ओपन द कैमरा, लेफ्ट टू चेक फोन, प्रिवेंट रिंगिंग और पावर मेनू मिलता है। पावर मेनू में आपको स्क्रीनशॉट, एयरप्लेन मोड, यूजर, लॉकडाउन, एमरजेंसी एक्सेट्रा। मिसलेनियस में आपको पावर मेनू कैपेसिटी मिलती है, इसमें आप पावर मेनू कैपेसिटी को घटा या बढ़ा सकते हैं। नीचे आपको एडवांस रीस्टार्ट और सीक्रेट लॉक स्क्रीन मिलते हैं। बटन्स में आपको पावर ऑन मिलता है, इसमें आपको सही ऑप्शन मिलते हैं। फिर आपको एंड कॉल यूजिंग पावर बटन, लॉन्ग प्रेस पावर बटन फॉर टॉर्च, क्लिक टू प्रोसेस स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट डिले, वेक डिवाइस वॉल्यूम बटन, आंसर कॉल यूजिंग वॉल्यूम बटन, कंट्रोल प्लेबैक, कीबोर्ड का सारा कंट्रोल और रीओरिएंट वॉल्यूम बटन मिलता है। UI में आपको एम्बिएंट डिस्प्ले मिलता है, इसमें आपको बिग स्क्रीन फोर नोटिफिकेशंस, ऑलवेज शो टाइम इन्फो, शो इंफोमेंट चार्जिंग, म्यूजिक टिकर, एज लाइटिंग। नीचे आपको ट्रेल सेंसर, पिकअप सेंसर, हैंड वेव सेंसर, पॉकेट सेंसर और वाइब्रेट मिलता है। फिर आपको चार्जिंग एनिमेशन, डिस्प्ले कटआउट, इसमें आपको कटआउट स्टाइल मिलते हैं, मतलब नॉर्मल, इमर्सिव या हाइड। फिर आपको प्रेफरेंस स्टाइल, नावर स्टाइल, क्यू एस स्टाइल स्टाइल, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, सेटेंड आईवर्ड आइकॉन्स और वेदर सर्विस मिलता है। नोटिफिकेशन आपको टिकर मिलता है और टिकर में आपको नो टिकर, नोटिफिकेशन टिकर और नोटिफिकेशन एंड म्यूजिक टिकर मिलता है। फिर आपको टिकर एनिमेशन मिलता है और टिकर ड्यूरेशन मिलता है। नोटिफिकेशन में आपको नॉइज नोटिफिकेशंस, फोर स्टॉप बटन,
हेड अप में आपको हेड अप, लेस बोरिंग, बैटरी लाइट और नोटिफिकेशन लाइट मिलता है। साउंड में आपको पल्स मिलता है, इसमें आपको नेवर पल्स, लॉक्सलिन पल्स, एम्बियंट पल्स, रेंडर मोड, टर्न ऑन स्मूथिंग, कलर, लेवल एंड स्पीड एक्सेट्रा। नीचे आपको सॉलिड एंड ओपेसिटी, सॉलिड एंड काउंट और सैंडल लेवल मिलता है। फिर आपको चार्जिंग साउंड मिलता है, स्क्रीनशॉट साउंड, वॉल्यूम स्टेप्स, वॉल्यूम पैनल। इसमें आपको वॉल्यूम पैनल लेफ्ट, वॉल्यूम पैनल टाइम आउट और वॉल्यूम पैनल स्टाइल मिलता है। नीचे आपको अडेप्टिव प्लेबैक और प्लेबैक टाइमर मिलता है। मिसलेनियस में आपको क्लिप बोर्ड अलर्ट मिलता है, इसमें आपको डिसेबल शो ऑन इंपोर्टेंट अलर्ट्स और शो ऑन ऑल अलर्ट मिलता है। फिर आपको शो सीपीयू इन्फो, गेमिंग मोड, स्मार्ट चार्जिंग, स्लीपिंग स्क्रीनशॉट, टोस्ट आइकॉन, सेंसर ब्लॉकर पैकेज, पॉकेट डिटेक्शन और स्क्रीनशॉट क्वालिटी मिलता है। और अब सेक्शन सीआर.रोम का, तो बैटरी में आपको थर्मल प्रोफाइल मिलते हैं। इसे एनेबल करने पर आपको डिफॉल्ट बेंचमार्क, कैमरा, डायलर, गेमिंग, स्ट्रीमिंग एक्सेट्रा मिलता है और ये वर्क करता है। इसका प्रूफ मैं आगे वीडियो में दूंगा। फिर आपको बैटरी सेवर मिलता है, इसमें आपको एक्सट्रीम पावर सेवर और ऑटोमेटिक पावर सेवर मिलता है और इसकी बैटरी लाइफ काफ़ी अच्छी है। मुझे अराउंड 6-7 मिला स्क्रीन ऑन टाइम। डिस्प्ले में आपको ब्राइटनेस लेवल, डार्क थीम, लाइव डिस्प्ले, लाइव डिस्प्ले में आपको डिस्प्ले मोड, इसमें ऑटोमेटिक ऑफ, डे नाइट या आउटडोर मिलता है। फिर आपको कलर टेम्परेचर, ऑटोमेटिक आउटडोर मोड, रीडिंग मोड, कलर कैलिब्रेशन और पिक्चर एडजस्टमेंट मिलता है। स्टाइल्स वॉलपेपर में और वॉलपेपर में आप वॉलपेपर को चूज़ कर सकते हैं। स्टाइल्स में आप एसएन कलर, फॉन्ट टाइप ऐसा चूज़ कर सकते हैं। ग्रिड में आप ग्रिड साइज चूज़ कर सकते हैं और क्लॉक में आप लॉक स्क्रीन क्लॉक चूज़ कर सकते हैं और आपको बहुत ऑप्शन मिलते हैं। देखिए फिर आपको मिनिमम रिफ्रेश रेट, मैक्सिमम रिफ्रेश रेट, फोन स्टाइल एक्सेट्रा। नीचे आपको लॉक स्क्रीन मिलता है, इसमें आपको नोटिफिकेशन लॉक स्क्रीन, स्किप लॉक स्क्रीन, एड टेक्स्ट ऑन लॉक स्क्रीन, शो लॉकडाउन ऑप्शन, डिस्प्ले मीडिया कवर आर्ट, लॉक स्क्रीन पल्स, ऑलवेज शो टावर इन्फो, लिफ्ट टू चेक फोन और वेक स्क्रीन फॉर नोटिफिकेशन मिलता है। नीचे आपको डबल टू वेक, वेक ऑन प्लग और एनेबल ब्लर मिलता है। सिक्योरिटी में आपको स्क्रीन लॉक, फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक मिलता है और नीचे आपको ऐप लॉकर मिलता है। देखिए रिसेंट्स में आपको स्क्रीनशॉट शेयर, क्लियर सिलेक्टेड ऐप और क्लियर ऑल मिलता है। तो चलिए देखते हैं इसमें गीकबेंच स्कोर क्या मिलता है। देखिए मैंने इसमें 3 टेस्ट रन किए, पहले 2 टेस्ट मैंने थर्मल प्रोफाइल ऑफ करके रन किए। तो देखिए पहले टेस्ट में को 483 और 147 मिलता था, सेकेंड टेस्ट में मुझे 432 और 1485 मिला और जब मैंने थर्मल प्रोफाइल ऑन किया तो स्कोर मुझे 530 और 1647 मिला, जो काफ़ी अच्छा है। तो चलिए देखते हैं इसमें सेफ्टी नेट ऑन है या नहीं। ये सेफ्टी नेट और रन टेस्ट, देखिए पास्ट है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्ले स्टोर नोटिफिकेशन वर्क करती है या नहीं। तो प्ले स्टोर और सेटिंग्स, अबाउट में लास्ट में देख सकते हैं आप डिवाइस सर्टिफाइड है। तो चलिए इसकी सीपीयू थ्रॉटलिंग देखते हैं। तो सीपीयू थ्रॉटलिंग में ये रिफ्रेश होता रहता है, इसलिए मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। देखिए स्क्रीनशॉट, देखिए आप देख सकते हैं नो सीपीयू थ्रॉटलिंग और आप ग्राफ देख सकते हैं। और इसमें फास्ट चार्जिंग वर्क करती है के एम्पियर में, मैंने इसका स्क्रीनशॉट लिया है। मैक्सिमम आपको 3100 मिली एम्पियर का स्पीड मिलता है। तो बढ़ते हैं लॉन्चर सेटिंग की ओर, इसमें आपको आइकॉन्स मिलते हैं। आइकॉन्स में नोटिफिकेशन डॉट, आइकॉन पैक, आइकॉन साइज, फॉन्ट साइज और मैक्स लाइन फॉर ऐप लेबल मिलता है। होम स्क्रीन में आपको शो गूगल ऐप एट अ ग्लांस, यूज एन अल्टरनेटिव स्टाइल, शो अ रैंडम मैसेज, शो नाउ प्लेइंग, अलाउ एडिट, डबल टू स्लीप, एड अ आइकॉन टू होम स्क्रीन, शो आइकॉन लेबल ऑन डेस्कटॉप, शो आइकॉन लेबल इन लैंडस्केप मोड एक्सेट्रा। ऐप ड्रावर में आपको शो आइकॉन लेबल इन ड्रावर और बैकग्राउंड ओपेसिटी मिलता है। मिसलेनियस में आपको होम स्क्रीन रोटेशन और हिडन ऐप मिलता है। इसमें आपको ANX कैमरा मिलता है, मतलब MIUI का स्टॉक कैमरा, और देखिए वर्क करता है। देखिए इवन मोर सेक्शन में और 64MP मोड में देखिए वर्क करता है। पर ऑफ कोर्स आप जी कैम का यूज़ कर सकते हैं। देखिए तो चलिए देखते हैं इसमें कॉल्स वर्क करता है या नहीं। देखिए कॉल्स वर्क करते हैं और रूम बहुत स्मूथ है, मुझे इसमें कोई मेजर बग नहीं लगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।
just happened?